मैं तो खाने आया हूँ, मेरी बारी है, अब तेरे को खाने को मिलेगा। हाँ तो इसको कैसे कैसे क्या करना है? सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक अलग तरीके का वीडियो, जिसमें हमने तीन अलग अलग शॉप से मोमोज मंगाए हैं और जिन्हें हमें खा के बताना है क्या कौन से चीप हैं, कौन से एक्सपेंसिव और कौन से मीडियम। तो हम लोग खा के आप लोगों को बताते हैं। अब चीप है, एक्सपेंसिव है, मैं तो खाने आया हूँ, खाने का बहुत शौक है कि अब कौन सा चीप है, कौन सा मीडियम है, कौन सा एक्सपेंसिव है, ये अभी नहीं मालूम है, ये तो हम खा के ही बताएंगे बाद में। बहरहाल मेरे को तो तीनों अच्छे दिख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो रुको जरा, सबर करो। खुशबू तो अच्छी है। स्पाइसी है, खाली चिकन खाते भी देख लेते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एक्सपेंसिव जगह है। अब आते हैं नेक्स्ट प्लेट में, तो यहाँ के मोमोज देखते हैं। यहाँ की एक जगह मोमोज चटनी दी हुई है, एक जगह मेयोनेज दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेंसिव है। किसी भी खा के ट्राई करते हैं। तो थोड़ा मैदा हार्ड दिख रहा है और एक बार चटनी के साथ खाते देखते हैं। चटनी तो मुझे सब्जी की ग्रेवी लग रही है। तो चलो आते हैं तीसरी प्लेट पे। इसकी चटनी तो मुझे देखने से ही बहुत अच्छी लग रही है। इसका भी मैदा बहुत हार्ड है। इसकी चटनी बेकार है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कौन से एक्सपेंसिव है। खाने से तो मुझे ऐसा लग रहा है ये वाले खा जाऊँ पूरे, क्योंकि मुझे ये टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो चलो एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। ये कर लो पहले। मोमोज भी खाने को मिल जा रहा है मुझे। थोड़ा पानी पी लेते हैं ताकि टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाए। ये चटनी तो मुझे बिल्कुल बेकार लगती है। दूसरी प्लेट में मैदा बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो सूखा खाने का अच्छा है, चटनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। यहाँ मोमोज का शेप देखो कैसा है, पर ये बहुत हार्ड है और इसकी चटनी मुझे पसंद नहीं आई है। यहाँ मोमोज में स्प्रिंग अनियन भी दिए हुए हैं, देखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन ये वाला देखो मोमोज कैसा है, पर मुझे टेस्ट ये वाला ज़्यादा बेटर दिख रहा है और चटनी भी देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। मन तो कर रहा है मुझे ये प्लेट ही पूरा खा जाऊँ, पर मुझे प्लेट के लिए भी बचाना है। बात तो सही है। कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सा मीडियम और कौन सा चीप। चलो फाइनली बताना ही है, तो मैं इसे एक्सपेंसिव बोलूँगी, इसे मीडियम बोलूँगी, इसे चीप बोलूँगी। A few moments later. तो हो गया, मेरी बारी है, अब मेरे को खाने को मिलेगा। आप दो ना। कौन सा अच्छा है, कौन सा टेस्टी है, कौन सा मीडियम है, कौन सा अच्छा नहीं है। तो ये वाला जो है, ये चटनी थोड़ी ऑयली दिख रही है और मैदा भी थोड़ा हार्ड एक्सेसिव दिख रहा है। और सेकंड वन, इसमें ऑयल थोड़ा कम है और इसमें मायोनीज भी है, मगर इसका जो मैदा है थोड़ा पतला दिख रहा है। एंड थर्ड वन, इसकी चटनी थोड़ी ना ऑयल है ना रेडपन है, मगर थोड़ा गाढ़े में है। एंड मोमोस थोड़ा पतला टाइप है। अब देख, कोई सेंस है इस बात की? देखेंगे। फर्स्ट मैं ये देखता हूँ कि ये कैसा टेस्ट है। ये चटनी में मैंने डुबोया और ये थोड़ा स्पाइसी है और थोड़ा मैदा हार्ड है, ठीक है।
जब मैं सेकंड वन देखता हूँ इसमें मायोनीज भी है और चटनी, और ये थोड़ा देखना है कि ये इसका टेस्ट क्या है। इसमें थोड़ा स्वीटपन है बट स्पाइसी कम है, मगर स्वीट है थोड़ा। अब देखना तीसरा इसका क्या है। ये स्पाइसी भी नहीं है और ज्यादा सॉल्ट भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। देखना है कि अब मेरे हिसाब से ये वाला बेस्ट है, टेस्टी है, बट मैं एक और बार चेक करूंगा, शायद कुछ गलती ना हो गई हो तो मैं इसको फिर दोबारा चेक करूंगा। नहीं, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है, सेकंड मीडियम दिस एंड लास्ट ये वाला है, ये सबसे बेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है और ये वाला मीडियम है और ये वेस्ट है। ना इसका टेस्ट अच्छा है, ना ही चटनी अच्छी है, ऑयली है। नहीं 2000 years later। कौन सा एक्सपेंसिव, कौन सी प्लेट बोली तुमने? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें डायरेक्ट दे। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो बता दो हमें। ओके, तो रिजल्ट है एक्सपेंसिव, मीडियम एंड चीप। तो आप लोगों को अब मिलेगा ट्विस्ट। वाओ! ये एक्सपेंसिव है? ये ले लीजिए मैडम आपके लिए। जी हाँ। तो इसको हमें क्या करना है अब वो? हाँ, तो इसको क्या कैसे करना है? इसका जूस पीना। पर टेस्ट तो वाकई में यही अच्छा था ना? टेस्ट तो इसका अच्छा था। चलो ठीक है, पनिशमेंट है आपकी। कैसी लगी? आगे स्वाद। मैं नहीं कर पाती। नहीं, थोड़ा सा मुंह खा लेते, मुंह खराब कर दिया नींबू ने तो। चलो एक ही बचा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे मैं इतने अच्छे डिशेज बनाती हूँ, इतने अच्छे वीडियो बनाती हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करो। वीडियो देख के चले जाते हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे लोग हैं, करेंगे सब्सक्राइब।